वेलकम फ्रेंड्स इन कुकिंग स्कूल। आज हम एकदम स्पाइसी और टेस्टी रतालू पूरी बनाएंगे, जिसे कंद पूरी भी कहते हैं। ये सूरत का बहुत ही फेमस नाश्ता है और सूरती लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। और हम इसे दो अलग अलग तरीके से बनाएंगे, जिससे आपको रतालू पूरी में एक नया टेस्ट मिल जाएगा। और कोई भी मौसम हो, ये गर्मा गर्म रतालू पूरी खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम रतालू के छिलके निकालकर इस तरह की पतली पतली स्लाइस कर ली है। साथ में 200 ग्राम बेसन, दो चम्मच चावल का आटा, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच क्रश किया हुआ सूखा धनिया और एक चम्मच लहसुन और लाल मिर्ची की पेस्ट ली है। तो चलिए पहले हमें इसका बैटर तैयार कर लेना है। एक बाउल लेकर इसमें डाल देंगे बेसन, चावल का आटा, साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हींग, थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बैटर को मीडियम ही रखना है, ना ही ज़्यादा पतला और ना गाढ़ा, क्योंकि बैटर मीडियम होगा तो ही आपकी रतालू पूरी फूली फूली और क्रिस्पी बनेगी और इसमें तेल भी बिल्कुल नहीं रहेगा। इसमें थोड़ा चावल का आटा डालने से पूरी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनती है। अभी ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा पानी और डाल देंगे और इसे चलाते रहना है, जिससे इसमें लम्स ना बने और स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। अब इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा और एक चम्मच नींबू का रस डालकर मिक्स कर लेंगे और ये दोनों चीज़ें लास्ट में ही डालनी है, जिससे बैटर एकदम हल्का और फ्लफी बन जाता है। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसे साइड में रखकर हम लाल चटनी तैयार कर लेंगे। ये पेस्ट में डाल देंगे एक चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच नमक, थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट जैसा बना लेंगे, जिसे रतालू की स्लाइस पर ये आसानी से लग सके। तो चटनी तैयार हो गई है। अब एक स्लाइस लेंगे और इस पर ये लाल चटनी लगा देंगे। चटनी आपको जितनी पसंद हो अपने टेस्ट के अनुसार लगाएं। तो चटनी लगा दी है, अब इसके ऊपर एक स्लाइस रख देंगे और थोड़ा प्रेस करके इसे प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम थोड़ी और तैयार कर लेंगे। इसे सैंडविच रतालू पूरी कहते हैं और थोड़ी स्लाइस को चटनी लगाए बिना सिंपल ही रखेंगे। तो इसमें चटनी लगाकर तैयार कर लिया है और साइड में तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक चम्मच गरम तेल बैटर में डालकर मिक्स कर लेंगे। तो पहले हम प्लेन पूरी बनाएंगे। स्लाइस को बैटर में डिप करके बीच में थोड़ा सूखा धनिया और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे गरम तेल में डाल देंगे। इसी तरह थोड़ी और स्लाइस को बैटर में डालकर गरम तेल में डाल देंगे और लो टू मीडियम गैस पर इसे फ्राई कर लेंगे और बीच में इसे पलटते रहेंगे, जिससे पूरी दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसमें सूखा धनिया और काली मिर्च का पाउडर डालने से पूरी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और दिखने में भी अच्छी लगती है। और ठंडी का मौसम हो या बारिश का, ये गर्मा गर्म रतालू पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये फ्राई हो चुकी है और गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी भी बन चुकी है। अब इसे प्लेट में ले लेंगे। अब हम ये चटनी लगाई हुई स्लाइस को बैटर में डालकर इसे भी फ्राई कर लेंगे। हम जब भी किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ की डिश में भी ये पूरी अक्सर होती है, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है कि सबको बहुत पसंद होती है।
पूरी को पलटते वक्त भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना तेल के छींटे बाहर उठते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फूल चुकी है और गोल्डन ब्राउन भी हो चुकी है। इसे भी ले लेंगे प्लेट में। तो हमारी तीखी और चटपटी रतालू पूरी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको एक पूरी तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए एकदम टेस्टी बनी है ये। वैसे आपने आलू की सिंपल पूरी तो बहुत बार बनाकर खाई होगी, लेकिन आपको अगर कुछ चटपटा और टेस्टी नाश्ता करना है तो ये रतालू पूरी बनाकर देखना। आपको और घर वालों को ये इतनी पसंद आएगी कि इसके आगे आपको बाकी सारे नाश्ते का टेस्ट भी फीका लगेगा। थैंक यू।